हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद बोली में। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ मूली और भट्टा की सब्जी, जो छत्तीसगढ़ की बहुत ही स्पेशल सब्जी है। तो इसके लिए हमें चाहिए मूली और भट्टा। तो सबसे पहले तो मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है और अब इसे काट लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो भी सब्जियां हैं वो देखने में बहुत ही सिंपल, बनाने में भी सिंपल है और बहुत ही कम सामान के साथ बन जाती है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई किया कीजिए एक बार। और ये वाला जो बैगन होता है वो यहीं मिलता है, बाकी जगह मिलता है कि नहीं पता नहीं, अगर मिलता है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आपके पास ये वाला ग्रीन वाला बैगन नहीं है तो आप जो बैगनी कलर का आटा है ना बैगन, वाला भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ में इसे बना सकते हैं ये वाली सब्जी को। और आप टमाटर के साथ भी इसे बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो सारी सब्जियों को काट करके मैंने तैयार कर लिया है, अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मेथी की पत्तियां हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है धोकर के। और ये लहसुन है कुछ, इन्हें मैं कूट लूँगी। और ये हरी मिर्च है, इसे मैंने लंबाई में काट लिया है, चार हरी मिर्च है। और एक टमाटर है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। प्याज मैंने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि जब तक यहाँ पर हरी मेथियाँ मिलती हैं ना मार्केट में तब तक हम प्याज का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। तड़के में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो करके देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। एक कढ़ाई में 3 छोटे चम्मच मैंने तेल डाला है, 1 चम्मच जीरा, 1/4 हींग, कटी हुई सब्जियां इसी में डालेंगे। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए ढक करके इसे छोड़ देंगे। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और इसे चम्मच चला लेंगे। इसमें कूटी हुई लहसुन भी डाल देंगे। 2-3 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। और सब्जियों को एक साइड करते हुए हम इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। ढक्कन लगा करके 2 मिनट के लिए पकने दीजिए ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए इसमें। टमाटर को 2 मिनट ऐसे ही और भून लेंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। 2 मिनट के बाद हम इसमें ये मठा डाल देंगे, लगभग यहाँ पर 1/2 ग्लास के जितना मैं डाल रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, ताज़ी मठा थी घर में वही यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ पर दही भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 ग्लास पानी डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे और ढक करके ऐसे ही छोड़ देंगे। गैस को बंद कर देते हैं हम और रेडी हमारी मूली और भट्टा की सब्जी। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो आप ज़रूर बना करके देखिए इसे। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए मुझे।